नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि पहल। मेरे क्लाइंट है दीपांशु, जो दिल्ली में अकेले रहते हैं, पेरेंट्स से दूर हैं और नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं। तो उनका यह सवाल था, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों का यह सवाल होगा, खास करके वो लोग जो अकेले रहते हैं, पेरेंट्स से दूर हैं और नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं। तो क्या सिंपल तरीका है ये पूजा करने का? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आप जो है देवी माँ की फोटो प्रतिमा या उनकी मूर्ति जो है वो लेके आए, साफ जगह लें। उस पे यदि आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, यदि गंगा जल नहीं है तो तांबे के या स्टील के लोटे में साफ पानी लें। पानी से जगह को साफ करें, जगह के आसपास जहां पे आप मूर्ति या फोटो रखना चाहते हैं उस जगह के आसपास गंगा जल या साफ पानी को छिड़के माता की मूर्ति वहां पे स्थापित करें। कुमकुम, लाल सिंदूर माता को बहुत प्रिय है, वो उससे माता के तिलक लगाएं, अक्षत यानी कि चावल लगाएं, अपने भी जो है तिलक लगाएं और चावल लगाएं। लाल गुड़हल का फूल जिसे चाइना रोज भी कहा जाता है, वो माता को बड़ा ही प्रिय है। तो यदि आपको वो इजीली वैसे मिल भी जाता है, अगर आपको मिल जाए तो वो आप माता की प्रतिमा के आगे रखें। यदि वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी ताजे फूल जो है वो माता की प्रतिमा के आगे रखें। ताजा फल, चाहे वो एक केला हो या एक सेब हो, वो रखें। मिठाई अगर ला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी मीठे ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश हो गया या अंजीर हो गया, वो जो है माता के आगे एज अ प्रसाद के फॉर्म में रखें। मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। उसके बाद जो है दिया जलाएं, अगर घी का दीपक जला सके तो बहुत अच्छी बात। अब बात आती है पूजा की, क्या पाठ करें या क्या मंत्र करें। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव पूजा है। अगर आप पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप पूरे 9 दिन के अंदर जो है पूरा पाठ कर सकते हैं। मतलब आप जो है इसको डिवाइड करके जो है पूरे 9 दिनों में पूरा एक राउंड जो है दुर्गा सप्तशती का कर सकते हैं। यदि आप वो नहीं कर सकते, आपको लगता है समय कम है, टाइम इतना नहीं है मेरे पास, तो आप दुर्गा चालीसा करिए। यदि वो भी नहीं कर सकते तो आप 32 नाम देवी दुर्गा के लीजिए और उसके बाद आरती करिए और फिर प्रसाद को ग्रहण करें। आप सबको नवरात्रों की फिर से शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि। नमस्कार।